So, dear students, welcome back to our today's lecture. So, आज हम एक बहुत important topic discuss करेंगे, जो कि है आपका about asymmetric organometallic catalysis. ठीक है, तो बहुत important topic है. Detail में हम discuss करेंगे ये जो asymmetric catalysis क्या है और asymmetric catalysis में आपकी organometallic complex का कितना important role है. So, सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले पहले ये देखेंगे कि ये जो एसिमेट्रिक कैटालाइसिस क्या चीज है और क्या होता है. अगर हम वो देखें तो सो सिंपली इन ए वे सिंपल वे एसिमेट्रिक कैटालाइसिस कैन बी डिफाइंड इज यूजुअली ए स्ट्रेटजी. आपका एक स्ट्रेटजी है वेयर ए ट्रांसक्शन मेटल कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग ए काइरल लिगेंड कैटालाइजिस द transformation of a prochiral substrate into one enantiomer is a major product. कुछ important चीजें हैं यहाँ पे हैं जो कि आपको यहाँ पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि यही यहाँ पे बहुत important point है. ठीक है, एक तो आपका है chiral ligand. दो चीज हो सकता है आपकी कॉम्प्लेक्स में, काइरल लीगेंड भी हो सकते हैं जो कि अपना काइरलिटी का इफेक्ट इंड्यूस कर सकते हैं आपकी प्रोडक्ट फॉर्मेशन में. As well as the metal catalyst itself, the chirality of the metal also induces the chirality in the product. So, ये important है यहाँ पे chiral ligand. दूसरा important यहाँ पे आपका एक prochiral substrate का होना, जो कि एक particular enantiomers जो कि ऐसे major product उसमें convert करे. ठीक है, तो ये simple definition है. एक बार हम फिर से देखेंगे कि ये जो asymmetric catalysis जो है वो एक strategy है जिसमें आपका एक ट्रांसक्शन मेटल कॉम्प्लेक्स जिसमें एक काइरल लिगेंड होंगे वो कैटालाइज करेंगे आपकी जो प्रोकाइरल सब्सट्रेट है उसको एक पर्टिकुलर वन एनेंशियोमर इज द मेजर प्रोडक्ट. ठीक है, अब हम देखेंगे आगे कि ये एक इंपॉर्टेंट एनेंशियोमर्स को ही क्यों आपको एक एनेंशियोमर का प्रोडक्ट ही आपको क्यों देना चाहिए. Why the chirality is so important? Chirality इतना important क्यों है वो आगे हम देखेंगे. तो ये जो आपका asymmetric catalysis है इसमें आपके organometallic complex का बहुत important role है. So this we can say the organometallic chemistry is या we can say that plays a very important role in asymmetric catalysis or asymmetric synthesis. तो कहीं भी आपको एक asymmetric carbon आपको carbon center अगर आपको synthesize करना है तो वहाँ पे आपकी organometallic catalyst या we can say organometallic species बहुत important role play करता है. ठीक है, So, पहले हम आगे बढ़ने से आपको एक एग्जाम्पल हम बताते हैं कि why this chirality is so important. ये जो chirality term है वो इतना important क्यों है और उसकी chirality की वजह से आपकी product पे क्या effect पड़ता है. ठीक है, तो usually अगर हम drug की बात करें तो जो हम drug लेते हैं या जो भी medicine हम लेते हैं तो वहां पे उस molecule की biological activity उस chirality या asymmetric center पे बहुत ज्यादा dependent रहते हैं. So अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि दो biological activity of molecules containing asymmetric centers depend on the chirality of the molecule. तो कोई भी अगर molecule है आपके पास, for example हम drug की ही बात करें, आपके पास एक drug है तो उस drug की बायोलॉजिकल जो एक्टिविटी है वो उस मॉलिक्यूल में जो आपका एसिमेट्रिक सेंटर है उसकी काइरेलिटी पे डिपेंड करते हैं कि व्हाट आर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर काइरल सेंटर और दैट पर्टिकुलर वी कैन से एसिमेट्रिक सेंटर. तो उस एसिमेट्रिक सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है
वो उस मॉलिक्यूल की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को डिटरमाइन करते हैं। दैट्स व्हाई द कायरेलिटी इज सो इम्पोर्टेंट। अब मैं आपको एक ड्रग के एग्जांपल से ये समझाने की कोशिश करूंगा कि व्हाई दिस कायरेलिटी इज सो इम्पोर्टेंट। फॉर एग्जांपल, वी हैव अ ड्रग नेम इज नेप्रोक्सन। नेप्रोक्सन, दिस इज अ ड्रग and it is used for to reduce the inflammation and pain in joints. ये आपके joints और muscle pain को reduce करने के लिए, इस the inflammation को reduce करने के लिए हम इस drug को use करते हैं। तो usually this drug is used to treat your joint diseases जिसमें आपका for example rheumatoid arthritic है, you have got again your joint disease, and for example osteoarthritic. So these are some of the disease which are treated by using your drug naproxen. अब हम देखेंगे इस नेप्रोक्सन की जो दो इम्पोर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है या जो दो इम्पोर्टेंट फॉर्म है, वन इज यूर एस फॉर्म, एक आपका एस फॉर्म होता है, दूसरा आपका आर फॉर्म होता है। तो जो कायरल सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन पे इसका इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कि द एस फॉर्म ऑफ यूर नेप्रोक्सन इज ड्रग फॉर एंट्री आर्थराइटिस। इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल द एस स्ट्रक्चर ऑफ द एस फॉर्म ऑफ दिस naproxen is this, is it, this drug is a naphthalene derivative, so we have this here we have a propanoic derivatives, this is CH3 and this is we have a methoxy group here. So this is the S form of your drug naproxen. So this is S2, sixth position pe aapka methoxy hai, और सेकंड पोजीशन पे आपका पहला फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज व्हाई टू द एस दिस वी कैन से द कॉन्फिगरेशन ऑफ द एसिमेट्रिक कार्बन इज एस स्टेट वेयर वी हैव द एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, मिथॉक्सी, नेफ्थेलीन, टू याल, propanoic acid. So this is the IUPAC name of your drug naproxen. So the another form that is your R form of this naproxen is this, we have again here the propanoic acid, that is CH3, and again we have here is methoxy, that is CH3. So this is your R form. Everything is same, just the R and S is different. That is the configuration around this asymmetric carbon. Now, यहाँ पे हम देखेंगे asymmetric carbon कौन सा है? This is your asymmetric carbon. ये आपका asymmetric carbon है. तो अगर हम इन दोनों मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करते हैं, नाम इसका बिल्कुल यही रहेगा, 2, then we have 6 methoxy. Naphthalene, 2-YL, then we have propanoic acid. Now, अगर हम इन दोनों molecules को compare करते हैं, तो सारा जो यहाँ पे if we say the about the substituent group or the parent naphthalene group, everything is similar. दोनों क्या है? दोनों में सिमिलर है, जस्ट एक आपका चेंजिंग आ रहा है, दैट इज द कॉन्फिगरेशन अराउंड दिस एसिमेट्रिक कार्बन। दैट इज एसिमेट्रिक मींस दिस कार्बन इज लिंक्ड विद 4 डिफरेंट ग्रुप्स। ये आपका एक ग्रुप है पूरा, यहाँ पे एक ग्रुप है मिथाइल, यहाँ पे एसिड ग्रुप है, और इसके साथ हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ होगा। तो the two derivatives of this naproxen drugs only differ at the asymmetric carbon. इस कार्बन पे आप का सिर्फ एक ही डिफरेंस आ रहा है, वो है in case of this S form, this methyl group is below the plane, and in case of this R form, this methyl group is above the plane. So
यहाँ पे इस एसिमेट्रिक द कॉन्फ़िगरेशन एट द कायरल सेंटर इज सो इम्पोर्टेंट दैट द एस फॉर्म ऑफ दिस ड्रग इज यूज्ड एज अ ड्रग फॉर आर्थराइटिक डिजीज. ये जो फॉर्म है एस फॉर्म ऑफ नेप्रोक्सिन इज यूज्ड एज अ ड्रग फॉर आर्थराइटिक, लेकिन उसी जगह आपका ये जो फॉर्म है दैट इज द आर फॉर्म, इट इज लीवर पॉइजनिंग. ये आपका क्या है? लीवर पॉइजनिंग है. दैट्स व्हाई दिस एसिमेट्रिक कार्बन इज सो इंपॉर्टेंट, और वी कैन से द कायरलिटी इज सो इंपॉर्टेंट इन योर मॉलिक्यूल. आपकी मॉलिक्यूल में कायरलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट्स व्हाई हमने अबव डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि एसिमेट्रिक वो स्ट्रेटेजी है जिसमें आपका एक ट्रांसेक्शन मेटल कॉम्प्लेक्स जिसमें कायरल लिगेंड हो सकता है या मेटल सेंटर खुद कायरल हो सकता है, वो एक प्रो कायरल सबस्ट्रेट को एक मेजर इनेंशियोमर्स में कन्वर्ट करते हैं. दैट्स आल्सो नोन एज इनेंशियोमेरिक एक्सिस. हम इसको इनेंशियोमेरिक एक्सिस भी कहते हैं कि जहां पे आपका दो इनेंशियोमर बन सकता है लेकिन एक इनेंशियोमर जो आपको जरूरत है उसी का मेजोरिटी में बनाना. क्योंकि अगर यही हम नेप्रोक्सिन की सिंथेसिस करते हैं जिसमें आपका दोनों फॉर्म बन सकता है, एस फॉर्म भी बन सकता है, आर फॉर्म भी बन सकता है, लेकिन जो कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट है वो आपकी एस फॉर्म की ज्यादा है क्योंकि दिस इज द ड्रग यूज इट फॉर आर्थराइटिक डिजीजेस. ऑन द other hand, the R form is toxic, that is, it causes liver poisoning. So, this form we doesn't require. ये हमें नहीं चाहिए. अब आपकी synthesis strategy वो होना चाहिए जिसमें आपका enantiomeric axis, that is, one particular enantioma should be formed in axis, that is your S form. आपका S form बनना चाहिए, R form नहीं बनना चाहिए. That is the asymmetric catalysis जिसमें आप एक chiral containing a chiral ligand containing metal complex use it as a catalyst which transform your prochiral substrate into one particular enantiomer, that is in case of this your enantiomer is S form. आपका S form बनना चाहिए क्योंकि R form आपको इतना important नहीं है. That's why the chirality so is so important and that's why your organometallic catalyst is so important in the synthesis of these biologically active molecules or we can say in the synthesis of this drug. अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज कहा आगे बढ़ने से पहले, ये जो छोटा टर्म है मैं आपको बता के चलूं, व्हाट इज प्रोकायरल. प्रोकायरल क्या है? फिर हमने कहा प्रोकायरल सब्सट्रेट होना चाहिए, उसको कन्वर्ट करेंगे. सो दीज प्रोकायरल्स मॉलिक्यूल्स आर दोज दैट कैन बी आर मॉलिक्यूल्स आर दोज दैट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम simply हम इसको ऐसे define कर सकता है, these are the molecules that can be converted from a chiral to chiral in a single step. एक single step में अगर molecule आपका a chiral है तो उसको हम chiral में convert कर सकते हैं. That type of molecule is known as prochiral. So आपका जो substrate होंगे, आपका जो initial material होंगे, वो आपका prochiral होना जरूरी है क्योंकि ये आपका achiral है और इसमें हमें catalysis के through आपको chirality induce करना है. लेकिन chirality कौन सा induce करेंगे? That is beneficial for us, जो कि हमारे लिए फायदेमंद होगा क्योंकि आप जो strategy आप तैयार करेंगे वो आप वही strategy तैयार करेंगे जिसमें आपका जो आपकी जरूरत का enantiomers है वो ज्यादा रेशो में फॉर्मेशन हो. क्योंकि अदरवाइज अगर दूसरा enantiomers आपका फॉर्मेशन होंगे तो वो आपको फायदा नहीं देंगे बिकॉज दिस आर टॉक्सिक इन नेचर. अदर एग्जाम्पल्स आर फॉर एग्जाम्पल, आप हम सिंपली कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं, आर थैलिडोमाइड इज ए सिडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग. ये आपका हिप्नोटिक ड्रग है, आर थैलिडोमाइड फॉर्म. लेकिन इसी का अगर आज एस फॉर्म की बात करें तो एस फॉर्म ऑफ दिस थैलिडोमाइड इज ए टेराटोजिनिक. टेराटोजिनिक
ठीक है, टेराटोजेनिक मीन्स ये वो ड्रग है जो जिस जिसमें क्या होता है आपके फाइटस जो है एक्सपोज होते हैं. वी कैन से कि यहाँ पे अगर इस एस फॉर्म को अगर आप एज ए ड्रग यूज करेंगे तो फाइटस को इसके इससे प्रॉब्लम हो सकता है. वी कैन से द फाइटस आर एक्सपोज टू अदर कंटेजन. ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस कायरलिटी इज सो इम्पोर्टेंट. क्योंकि अगर आप आर फॉर्म यूज करते हैं तो वो सेडेटिव और हिप्नोटिक ड्रग है, लेकिन इसी का एस फॉर्म इज टॉक्सिक इन नेचर, दैट इज योर टेराटोजिन. सिमिलरली अनदर ड्रग इज देयर, फॉर एग्जाम्पल योर SS form of ethambutol is a this is a tuberculostatic drug. या वी कैन से एजेंट. तो ये जो एस फॉर्म ऑफ है ethambutol, ये आपकी ट्यूबरक्लोसिस एजेंट है, एंटी ट्यूबरक्लोसिस एजेंट है. लेकिन अगर हम इसी की आर आर फॉर्म की बात करें, आर आर फॉर्म ऑफ योर ethambutol causes, इसका साइड इफेक्ट क्या है, causes ऑप्टिकल neurotic, so it causes optical neurotic problem in your optical neuron and can lead to blindness. ये आपको ब्लाइंड कर सकता है, लेकिन उसका SS फॉर्म है वो आपका ट्यूबरक्लोस्टेटिक ड्रग है, एजेंट है, या वी कैन से इट्स अ ड्रग यूज्ड अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस. सो यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट आपकी कायरलिटी का रोल है. एंड थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, दैट इज एल्डोपा. That is a drug, L-DOPA. This drug is used for Parkinson's disease. ये आपकी person Parkinson disease को ठीक करने के लिए use करते हैं. लेकिन अगर इसी का D-DOPA आप लेते हैं, that is the another enantiomer. It causes loss of white blood cells. तो अगर इसी का अगर आप डी फॉर्म लेते हैं तो ये आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स की सेल्स को लॉस कराते हैं. ठीक है, सो फ्रॉम हियर वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कायरलिटी, कि एक मॉलिक्यूल में कायरलिटी का होना कितना इम्पोर्टेंट है, या कायरलिटी आपकी मॉलिक्यूल की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को पूरा क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं. ठीक है, सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट इट इज क्लियर दैट द ड्रग शुड बी इन एनशियो क्योर. सो फाइनली हियर वी कैन से दैट व्हाट एवर द ड्रग यू आर सिंथेसाइजिंग, आप कोई भी ड्रग अगर सिंथेसाइज कर रहे हैं, दैट द योर ड्रग शुड बी वी कैन से इन एनशियो प्योर, इन एनशियो प्योर. तो जो भी ड्रग आप सिंथेसाइज कर रहे हैं वो इन एनशियो प्योर होना जरूरी है. तो इन एनशियो प्योर मतलब कि जो भी जिस फॉर्म का इन एनशियोमर आपको, जिसका साइड इफेक्ट नहीं है, वही इन एनशियोमर आपको बनना चाहिए. दैट्स व्हाई दिस एसिमेट्रिक कैटालिसिस इज सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे क्या करेंगे, आप स्ट्रेटेजी इस तरह तैयार करेंगे जिसमें आपका फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्योर एल्डोपा ही बने, डी डोपा न बने. इसीलिए अब ये कैसे करेंगे, that depends on the substrate and the catalyst you are using. Ab yahan pe what are the important point of research, yahan pe research ka kya importance hai, ki research mein aapko ye dekhna hai ki kaun sa ligand ya kaun se prochiral substrate use karne pe आपको प्योर इन एनशियो प्योर ड्रग मिलेंगे, या यहाँ पे आपको प्योर एल्डोपा ही मिलेंगे, डीडोपा नहीं मिलेंगे. दैट इज द पॉइंट ऑफ रिसर्च, यही पॉइंट ऑफ रिसर्च है कि आपको लिगेंड को डिस्कवर करना है, या लिगेंड की एक्टिविटी को आप स्टडी करेंगे, फिर वहां से आपको ये पता चलेगा कि कौन सा लिगेंड यूज करने पे या
कौन सा प्रोकायरल सबस्ट्रेट करने यूज करने पे आपको एक पर्टिकुलर इनेंशियोमर्स मिलेंगे जो कि आपके लिए फायदेमंद है, और दूसरा वाला इनेंशियोमर नहीं बनना चाहिए जो कि आपके लिए फायदेमंद नहीं है। सो दिस इज सिंपली ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योर एसिमेट्रिक कैटालिसिस। नाउ लेट्स सी हाउ दिस काइरल कैटालिस्ट वर्क। आप क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होंगे कि आपका जो काइरल कैटालिस्ट है जिसमें हमने कहा कि एसिमेट्रिक कैटालिस्ट में एक काइरल लिगेंड जो कैटालिस्ट हैं वो आपकी एक प्रोकायरल सबस्ट्रेट को एक वन मेजर इनेंशियोमर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो देखेंगे ये काइरल कैटालिस्ट कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल वी हैव ए प्रोकायरल सबस्ट्रेट जो कि आपको होना चाहिए, जिस सबस्ट्रेट को आप क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे एक फाइनल प्रोडक्ट में, प्लस वी यू हैव काइरल कैटालिस्ट, आपके पास कैटालिस्ट होंगे जो आप यूज करेंगे कैटालिस्ट के साथ साथ, या आप डायरेक्ट काइरल रिएजेंट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो कि स्पेसिफिक रिएजेंट होंगे। तो जब ये दोनों मिक्स होंगे आपके पास एक इंटरमीडिएट बनेंगे, दैट इज डायस्टीरियोमेरिक इंटरमीडिएट। जो ही ये काइरल कैटालिस्ट और प्रोकायरल सबस्ट्रेट रिएक्शन करेंगे आपके पास एक इंटरमीडिएट डायस्टीरियोमेरिक इंटरमीडिएट बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा काइरल सबस्ट्रेट के दोनों फॉर्म बनेंगे दो, क्योंकि ये इसका फॉर एग्जांपल एस फॉर्म भी बन सकता है, आर फॉर्म भी बन सकता है। ठीक है, तो आपका डायस्टीरियोमेरिक इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म होंगे। अब यहाँ पे डायस्टीरियोमेरिक फॉर्म जो होंगे वो आपका फॉर एग्जांपल हमने कहा दो डायस्टीरियोमर बनेंगे, एक D1 एक D2, एंड दिस टू डायस्टीरियोमेरिक फॉर्म विल फॉर्म इन डिफरेंट अमाउंट्स, या कंसंट्रेशन इन दोनों का डिफरेंट होगा, क्योंकि फाइनली हमें क्या बनाना है आपका एक जो इनेंशियोमर्स है वो मेजर में फॉर्म होंगे, दूसरा इनेंशियोमर्स आपका लेसर फॉर्म होंगे, जो कि आपको जरूरत नहीं है क्योंकि हमें उसके क्वांटिटी को जितना हो सके हम मिनिमाइज करेंगे। एंड फाइनली दिस टू डायस्टीरियोमेरिक इंटरमीडिएट विल गिव यू द प्रोडक्ट दैट इज योर काइरल प्रोडक्ट, काइरल प्रोडक्ट। और फाइनली ये दोनों आपको क्या देंगे काइरल प्रोडक्ट देंगे, दैट इज योर फाइनल मटेरियल। फॉर एग्जांपल इफ वी से दैट दिस D1 विल गिव यू R, देन D2 विल गिव यू S फॉर्म। अगर D1 आपकी R फॉर्म को प्रोड्यूस करते हैं, D2 आपकी S फॉर्म को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इन दो डायस्टीरियोमेरिक की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा डिफर करेंगे, क्योंकि एसिमेट्रिक कैटालिसिस क्या करते हैं आपकी एक इनेंशियोमर्स को ज्यादा मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं इस कंपेयर टू अदर, दैट्स व्हाई द डायस्टीरियोमर्स इज आल्सो डिफरेंट इन देयर कंसंट्रेशन। ठीक है, आपकी कंसंट्रेशन इन दोनों की डिफरेंट होंगे, और इन दोनों की कंसंट्रेशन की जब हम बात करेंगे इनका थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगा, दैट्स व्हाई कंसंट्रेशन ऑफ दिस टू डायस्टीरियोमर्स विल बी डिफरेंट। एंड फाइनली ये आपको काइरल प्रोडक्ट देंगे, जो आपकी काइरल प्रोडक्ट मीन्स आपकी जो फाइनल आपका जो प्रोडक्ट मिलना है वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। सो वी कैन से इफ द टू फॉर्म्स आर फॉर्म्ड इन unequal amount, ये दो अगर आपको unequal amount में बनते हैं, whichever is formed in greater amount, दोनों में से जो भी ज्यादा बनेंगे will give you the right enantiomers। अगर हम कहते हैं कि in the intermediate D1 the concentration of D1 is higher is compared to D2, then D1 will give you your desired product is compared to your D2, that's why the asymmetric catalysis is all about कि जहां पे आपको एक प्रोडक्ट का क्या बनेंगे ज्यादा बनेंगे, या यू कैन से द राइट इनेंशियोमर्स विल फॉर्म इन हायर अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो आपका रीजनेबली उसका आपका जो यील्ड होगा वो भी ज्यादा हो सकता है, इसके साथ साथ उसका अदर प्रॉपर्टीज भी बेटर होंगे, बिकॉज द एसिमेट्रिक कैटालिसिस इज
what is all about. So the important here is, or we can say the hard part to find a figure out here is, which chiral catalyst give you the, कौन सा catalyst आपको your right diastereomers, which chiral catalyst, the question is, which catalyst will give you the right diastereomer, कौन सा catalyst आपको इन दोनों में से जो भी best आपके लिए diastereomers हैं वो देता है, that is the matter of investigation. आपको catalyst को आपको क्या करना है, investigate करना है. You have to find out such a catalyst which give you the right diastereomers, so the right diastereomers give you the right product, that is your whatever the enantiomer which is biologically active, आपको वही product देंगे अगर आपका diastereomers, वो diastereomers जो कि आपको चाहिए उसका concentration ज्यादा बने, ठीक है. So this is how your chiral catalyst work. आप chiral catalyst अब आप कैसे बनाएंगे, so in case of chiral catalyst, yeah, we can say why some ligands are better here. Then why some ligands are better? Kuch ligand aapko achha kyun dete hain? That's why we have to find out the ligand which will give you the right product. Aapko jo bhi product chahiye, which will give you the right enantiomers, jo enantiomers aapko chahiye, wo aapko de sake. तो यहाँ पे कैटलिस्ट की हम थोड़ा एक एक वी कैन से पेक्टोरियल डायग्राम बनाएंगे ताकि आपको ये समझ में आए. फॉर एग्जांपल, दिस इज योर मेटल कॉम्प्लेक्स, ये आपका मेटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है. इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे एंड दिस इज मेटल कॉम्प्लेक्स इज कनेक्टेड विद अ लिगेंड, बट इन दिस केस द लिगेंड इज वेरी far away from your, this is the ligand for example, far away from your metal. So दो region है chirality की जो कि आपके product पे अपना chirality का effect induce कर सकता है. One is the region of chirality, that is the region of chirality in case of ligand. ये क्या है, ligand की chirality है. दूसरा, the actual side of the chemistry is this, side of chemistry means जहां पे actual आपका reaction हो रहे होंगे, क्योंकि actual reaction आपकी metal side पे ही होंगे. तो यहां पे आपको देखना क्या है, if the ligand is so far from the side of your chemistry या direction side, then the ability of this ligand to induce the effect of its chirality in the new product is very very less. So yahan pe kyunki distance zyada hone ki wajah se agar aapka ligand chiral hote bhi hain to iska effect aapki product pe zyada nahi honge, lekin there are some ligands, आपका कुछ लीगेंड होगा जहां पे मेटल जो साइड है, जहां पे साइड ऑफ केमिस्ट्री एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द लीगेंड इज नॉट दैट मच हायर. तो यहां पे एक ऐसा भी केस हो सकता है जहां पे लीगेंड और, क्योंकि ये अब क्या है, लीगेंड की काइरेलिटी रीजन है, यू कैन से रीजन ऑफ काइरेलिटी इज दिस एंड दिस इज द साइड ऑफ केमिस्ट्री जहां पे एक्चुअल आपकी रिएक्शन हो रहे होते हैं. तो अगर आपकी कॉम्प्लेक्स का कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होते हैं जहां पे आपका कैटलिस्ट जो है, ये जो कॉम्प्लेक्स में लिगेंड जो है वो बिल्कुल आपकी मेटल के पास में है, देन द इफेक्ट ऑफ द काइरेलिटी ऑफ दिस लिगेंड विल बी मोर प्रोनाउंस्ड इन योर प्रोडक्ट इन दिस केस. दैट्स व्हाई सम लिगेंड्स आर मोर बेटर देन दिस कंपेयर टू आवर लिगेंड. तो अगर लिगेंड आपका ऐसा कुछ है जहां पे बिल्कुल केमिस्ट्री जहां पे मेटल के पास में ही है, तो इसमें अगर कोई काइरेलिटी है तो इसका इफेक्ट आपके प्रोडक्ट में जाएंगे. लेकिन अगर आपका इस तरह का है जहां पर लिगेंड बहुत दूर है मेटल से, तो इसका काइरेलिटी का इफेक्ट आपके प्रोडक्ट पे ज्यादा नहीं देख पाएंगे. दैट्स व्हाई सम लिगेंड्स आर बेटर इन केस ऑफ एसिमेट्रिक कैटालिसिस देन इज कंपेयर टू अदर लिग.
ठीक है, तो ये था आपका क्यों हमें कुछ लिगेंड्स हमें बेटर एसिमेट्रिक कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं इस कंपेयर टू सम अदर लिगेंड्स। सो अगर आप बात करते हैं, नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर ऑर्गेनो मेटेलिक स्पीशीज। ऑर्गेनोमेटेलिक स्पीशीज में कैसे आपका कौन कौन से ज्योमेट्री या कौन कौन से टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स आपके कैटालिटिक एक्टिविटी दिखा सकते हैं। ठीक है, सो अगर हम बात करें, वी कैन सिंथेसाइज टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स आप बना सकते हैं, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स आप बना सकते हैं, एंड देन यू हैव स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स यू कैन ऑल्सो फॉर्म, स्केयर प्लेनर ऑल्सो फॉर्म विच है D4H symmetry, जिसका पॉइंट ग्रुप होगा D4H। तो यहाँ पे आपकी टेट्राहाइड्रल है, ठीक है, दिस इज योर टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर, बिल्कुल उसी तरह आपका ऑक्टाहाइड्रल भी होंगे इस तरह, और यहाँ पे आपका फाइनली यू हैव हियर द सेंटर, हियर इज योर मेटल, यहाँ पे बीच में आपका मेटल होंगे, एंड हियर इज अगेन मेटल, और आपका ये स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। अब इन तीनों में से ये जो स्केयर प्लेनर है, it is very difficult to induce chirality in case of these planar complexes, so it's very difficult to induce chirality in planar complexes, so it means hum jo planar complex jo hai wo is a chiral catalyst, yeah we can say yahan pe organometallic species, the planar organometallic species cannot be used as your chiral catalyst because it's very difficult to induce chirality in planar complexes. Other complexes like we have tetrahedral and square and octahedral complex, you can easily use this organometallic species is we can say asymmetric catalyst. आप इनको asymmetric catalyst use कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका ऑल अबाउट योर व्हाई दिस कैटलिस्ट वर्क सो स्मार्टली एंड व्हाई सम लिगेंड्स आर फार बेटर देन सम अदर लिगेंड्स। सो द वेरी इंपॉर्टेंट वी कैन से इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एरिया वाज मींस एसिमेट्रिक कैटालिसिस वाज एम्फसाइज्ड बाय द अवार्ड ऑफ नोबेल प्राइज इन 2001। तो इस एसिमेट्रिक कैटालिसिस का इतना इंपॉर्टेंस जो बड़ा है वो 2001 में नोबेल प्राइज मिला है टू थ्री साइंटिस्ट, दैट इज यूर, वन इज यूर विलियम एस नॉवलिस, सेकंड इज यूर रायोजी नायोरी, एंड द थर्ड इज यूर बेरी शार्पलेस। तो इन तीनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था फॉर दिस एसिमेट्रिक कैटालिसिस इन 2001, एंड आफ्टर दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एसिमेट्रिक कैटालिसिस इज इंक्रीज, या वी कैन से इज डाइवर्सिट सो मच। इसके बाद एसिमेट्रिक कैटालिसिस का इंपॉर्टेंस और भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस एसिमेट्रिक कैटालिसिस इज आवर श्रॉग ऑस्बोर्न कैटालिस, श्रॉग ऑस्बोर्न कैटालिस, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट दैट इज रोडियम बेस्ड कैटालिस्ट, द कैटालिस्ट इज आप का ये कैटलिस्ट जो है वो है COD, दिस इज द लिगेंड, RH इज योर मेटल कॉम्प्लेक्स, एंड दिस L2+। तो ये आपका श्रॉग ऑस्बोर्न कैटलिस्ट है जो कि आपका हाइड्रोजिनेशन, एसिमेट्रिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन कराता है। ठीक है, सो दिस होमोकायरल लिगेंड कैन गिव यू एसिमेट्रिक रिडक्शन ऑफ prochiral alkene, so this catalyst will give you asymmetric reduction of a
prochiral alkene. Now, the important point here to investigate is this L. ये एल क्या है, इसी एल को आपको क्या करना है, ढूंढना है, ठीक है. यूजुअली दिस एल एल इन केस ऑफ दिस शॉक ऑस्मोन कैटलिस्ट इज यूज्ड इज द फॉस्फीन. ये जो लिगेंड यूज किया गया है वो आपका फॉस्फीन लिगेंड है, ठीक है. तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द पॉइंट टू बी इन्वेस्टिगेटेड, या वी कैन से हार्ड पार्ट ऑफ द फाइंडिंग इज द लिगेंड. दिस लिगेंड दैट कैन गिव यू अ practically useful bias in favor of desired enantiomers. So, यहाँ पे आपको क्या ढूंढना है, यहाँ पे आपको ऐसा एक ligand ढूंढना है जो आपकी एक desired enantiomers को produce करे, न कि आपको एक racemic mixture दे. क्योंकि racemic mixture में क्या होगा, दोनों configuration होंगे, जिसकी वजह से आपका एक configuration अगर आपका बेनिफिशियल इफेक्ट आपको प्रोड्यूस करते हैं तो दूसरा आपका हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, जो कि जिसका इकोनॉमिक इतना इम्पोर्टेंस ज्यादा नहीं होगा. तो यहाँ पे जो लिगेंड आपको ढूंढना है, द लिगेंड शुड बी अ लिगेंड दैट विल गिव यू अ डिजायर्ड इनेंशियोमर्स. जो भी इनेंशियोमर्स आपको चाहिए वही इनेंशियोमर्स आपको प्रोड्यूस करे. सो इन केस ऑफ द शॉप ऑस्कॉन catalyst, the point, important point here is the asymmetric hydrogenation of alkene is possible if H2 prefers to add to one phase over the other. तो यहाँ पे asymmetric hydrogenation कब होंगे alkene का, तभी possible है जब आपका hydrogen जो add होंगे वो एक phase को ज्यादा prefer करेंगे as compared to the other phase. तो कैसे होगा, आपका catalyst एक phase पे जुड़ जाएंगे, आपका दूसरे फेज से हाइड्रोजन ऐड होंगे. दैट्स व्हाई ये इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजनेशन एसिमेट्रिक तभी होंगे जब आपका एल्कीन एक साइड जुड़ेंगे और आपका हाइड्रोजन दूसरे साइड से, ठीक है. सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर क्या है यहाँ पे, कि आपका जो हाइड्रोजन है वो एल्कीन के एक फेस को प्रेफर करे रादर देन दी अदर, ठीक है. और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, कि जो आपका इनेंशियो सेलेक्टिव स्टेप है, द इनेंशियो सेलेक्टिव स्टेप इज द ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ H2. जो आपकी हाइड्रोजन ऐड होंगे ऑक्सीडेटिवली, दैट स्टेप विल डिटरमाइन योर डिटरमाइन द इनेंशियो सेलेक्टिविटी ऑफ योर कॉम्प्लेक्स. तो सिंपली अगर हम एक एल्कीन को दिखाएं, तो दिस इज एन एल्कीन RCR- डबल बॉन्ड CHH, ठीक है. तो दिस इज ए प्रोकायरल सेंटर, इसको हम कहेंगे प्रोकायरल एल्कीन, प्रोकायरल एल्किन. जब इसका हाइड्रोजिनेशन होंगे, ठीक है, हाइड्रोजिनेशन होंगे इन प्रेजेंस ऑफ योर कैटलिस्ट, फॉर एग्जांपल इसको हम कॉड RHL2 प्लस, देन यू विल गेट टू इनेंशियोमर्स. वन इनेंशियोमर्स विल बी दिस लाइक, हाइड्रोजन ऐड होंगे दोनों साइड पे ऑक्सीडेटिवली. लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, हाउ द हाइड्रोजन विल एड अप टू दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा है, और आपको दूसरा इनेंशियोमर बिल्कुल इस तरह मिलेंगे, दैट इज HHH R-R- एंड H विल गो बिलो द प्लेन. सो हियर यू विल गेट अ पेयर ऑफ इनेंशियोमर. यहाँ पे भी क्या मिल रहा है, पेयर ऑफ इनेंशियोमर, इनेंशियोमर. लेकिन जो हाइड्रोजिनेशन होंगे, जिसमें आपको पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स होंगे मिल रहे हैं, अब एसिमेट्रिक कैटालिसिस में क्या होगा,
अगर ये आपका आर फॉर्म है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज यूर एस फॉर्म एंड द आर फॉर्म इज बायोलॉजिकली एक्टिव, वेदर इज एस फॉर्म हैव टॉक्सिक इफेक्ट, देन आवर एम शुड बी टू प्रोड्यूस आर फॉर्म इज द मेजर प्रोडक्ट। यही हमें मेजर प्रोडक्ट में सिंथेसाइज करना है और इसकी क्वांटिटी को जितना हो सके हमें मिनिमाइज करना है। अगर थोड़ा बनता है वो बाद में हम इससे सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ज्यादा है तो हमारा कैटलिस्ट क्या होना चाहिए, हमारे पास एक ऐसा कैटलिस्ट होना चाहिए जो कि आपकी आर फॉर्म को ज्यादा प्रोड्यूस करे एज कंपेयर टू यूर दिस एस फॉर्म। So this is how this asymmetric hydrogenation occurs. Now let's come to our Shock-Ofscon catalyst. So Shock-Ofscon catalyst कुछ ऐसा है, इसका अगर हम structure देखें तो this is your rhodium, means rhodium is your the active metal center. This active metal center is connected to your phosphine ligand. हमने phosphine कहा कि usually यहाँ पे carbon catalyst भी हो सकते हैं. This is chiral, so we can designate it as asterisk star. तो यहाँ पे आपका दूसरा ligand लगा होगा. This COD is your cyclooctadiene. आपको cyclooctadiene है this COD. तो ये आपका दूसरा ligand है. That is cyclooctadiene. So this is your Shock-Ofscon catalyst. Now this Shock-Ofscon catalyst is not the active form of their catalyst. This is inactive form. ये आपका क्या है? Inactive form. जब आप इसको क्या करेंगे? Solvent में dissolve करेंगे. Then your COD will leave this complex and this solvent that is S will replace this COD. This solvent should be your polar solvent. लेकिन जो भी आप solvent ले रहे हैं वो polar होना चाहिए. For example, methanol, like we have tetrahydrofuran, like we have CH3CN. तो आपका जो active form of the catalyst बनेंगे that is this S, that is this solvent and your this phosphine ligand. So this is now the active form of Shock-Ofscon catalyst. ये आपका क्या है? Active form है catalyst के. Now this will give you the desired product. ये आपको क्या देंगे? Desired product देंगे. ठीक है? Desired product देंगे. ठीक है, अगर आप इस फॉस्फिन लिगेंड को देखें तो द मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ दिस फॉस्फिन लिगेंड इज, जो कि आपको आगे हम जो एग्जांपल लेंगे वहां पे आपको जो डिजायर्ड प्रोडक्ट देंगे दैट इज योर कायरा फॉस। ठीक है, तो द स्ट्रक्चर ऑफ दिस इज लाइक योर पीपीएच टू जो कि आपका लगा हुआ है. यहाँ दोनों पी ये वाले हैं और यहाँ पे आपका दिस एसिमेट्रिक सेंटर्स है टू मिथाइल ग्रुप, वन इज अबव द प्लेन एंड अनदर वन इज बिलो द प्लेन. सो दिस फॉस्फिन लिगेंड इज दिस वन यूजुअली नोन एज चेरा या कायरा फोर्स. सो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट वी कैन से कैटलिस्ट used in the hydrogenation of, hydrogen asymmetric hydrogenation of alkene. Now, इसी में हम एक इसी की mechanism को हम discuss करने की कोशिश करेंगे. Before this, let's see the effective atomic number of this rhodium. Now, this rhodium complex is a 16 electron कॉम्प्लेक्स. ये आपका क्या है? 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है. ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि जब ये आगे ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन दिखाएंगे तो वहां पे आपको ऑक्सीडेटिव एडिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है वो हम आपको वहां पे बता देंगे. ठीक है, सो इन केस ऑफ रोडियम वी हैव 19 इलेक्ट्रॉन एंड वी हैव 4 इलेक्ट्रॉन विल कम फ्रॉम दिस फॉस्फिन एंड 4 इलेक्ट्रॉन विल कम फ्रॉम दिस साइक्लोऑक्टाडाइन एंड 1 प्लस चार्ज इज देयर, देयरफॉर इज -1.
So total is your 17 minus 1, 16 electrons. So this species is a 16 electron species and the coordination number of rhodium is 4. तो यहाँ पे भी ये भी आपका क्या है 16 electron complex है, इसका भी coordination number 4 है. तो ये आप ध्यान देंगे, ठीक है. तो now let's take an important example of chiral inamide hydrogenation. यहाँ पे हम एक example देखेंगे जहां पे आपका जो Schrock Osborn catalyst है वो कैसे hydrogenation कराता है, ठीक है. तो example हम लेते हैं, एक complex लेंगे जहां पे ये आपका एक complex है. NH, C double bond O, CH3, and then is C double bond O, O, CH3, and then here is your O, O, CH3, and here you have O, CH3. जब इसका hydrogenation करेंगे, ठीक है, hydrogenation करेंगे आपकी COD, that is Osborn catalyst L2, तो आपका product बनेंगे hydrogenation, जहां पे आपका hydrogenation होंगे of this asymmetric carbon, ये आपका asymmetric carbon है, ठीक है, जहां पे क्या है, ये particular एक ligand है, ये आपका दूसरा ligand है, and ये पूरा species आपका तीसरा ligand है, ठीक है, और इसके साथ आपका क्या लगेंगे, hydrogen लगेंगे, ठीक है, तो जब इसका hydrogenation होंगे, तो आपका product बनेंगे, for example, इस पूरे ligand को हम R से designate करते हैं, तो आपका product जो बनेंगे, वो ऐसा कुछ बनेंगे, double bond O, OCH3, this is your R, means this whole, this ligand, and here you have hydrogen will add from this side, and we have COCH3. तो एक ये product बन सकते हैं, जहां पे आपका hydrogen जो है, below the plane है, दूसरा इसका ये भी enantiomers form हो सकता है, लेकिन वही enantiomers आपका ज्यादा form होंगे, जो कि आपको क्या है, important है, आपके लिए important है, NCOCH3, NH here, NHCOCH3. So, whatever the product is, whatever the enantiomer is, which is right enantiomers, in case of this reaction, you will get 100% chemical yield and 99% enantiomeric excess. Means, जो भी enantiomers आपको या ये वाला important है, या ये वाला important है, जो भी right enantiomers हैं, that will get in 100% yield, as well as 99% enantiomeric excess, means what the enantiomer is, what are the right enantiomers will get in 99%. आपको 99% वही enantiomers इस reaction में आपको मिलेंगे, ठीक है. आप mechanism देखेंगे, ये जो mechanism reaction होता है, वो कैसे हो रहा है, ठीक है. तो आपके पास catalyst है, that is your rhodium catalyst. एक्टिव फॉर्म में आपका क्या होगा, साइक्लोऑक्टाडाइन रिप्लेस करेंगे आपके सॉल्वेंट. तो दिस इज द फॉस्फीन, इसको हम स्टार बिकॉज़ दिस इज अ काइरल सिंपल. अब दोनों साइड में इस कैटलिस्ट को ले चलाता हूं, क्योंकि आपके पास दो एनेंशियोमर्स बनेंगे, दो में जो भी आपका सही होगा, दिस इज आर, दिस इज एनएच, दिस इज सी डबल बॉन्ड ओ सीएच3, एंड दिस साइड्स आल्सो यू हैव this O, then this O, CH3. उसी तरह इस साइड भी यही लगेंगे आपका R, this is your double bond NH, C double bond O, CH3, and इस साइड भी C double bond O, CH3, ठीक है. अब जब इनका रिएक्शन होगा इस कैटलिस्ट के साथ, आपको दो, हम दोनों सेट इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि दो आपके एनेंशियोमर्स बनेंगे, और वही एनेंशियोमर्स ज्यादा बनेंगे जिसकी आपको जरूरत ज्यादा है. तो अगर इसका हम रेट ऑफ द रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में K1 रखेंगे, अपोजिट में -K1, तो ये आपका अगर इस डायरेक्शन में है तो अपोजिट में ये K1, ये K-1. तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेंगे, पहले इस साइड हम देखेंगे प्रोडक्ट,
क्या बनता है, तो आपका ये जो डबल बॉन्ड होंगे वो रिप्लेस करेंगे इस सॉल्वेंट को, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनेंगे दैट इज योर रोडियम RH, ठीक है, ये आपका फॉस्फीन है, इसको रिप्लेस नहीं करेंगे, तो ये स्टार आपको जो ये डबल बॉन्ड है वो पहले इस सॉल्वेंट को रिप्लेस करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरह COOCH3, दैट इज दिस वन, ठीक है। आगे सेड हम ये वाला रखते हैं दैट इज यूर NH, ठीक है, एंड NH, देन अगेन दिस वैकेंट साइड विल बी ऑक्यूपाइड बाय यूर दिस सी डबल बॉन्ड OCH3, मीन्स ये जो आपका साइड है वो आपकी ये वाला ऑक्सीजन क्या करेंगे, ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। तो एक साइड आपका ऐसे बनेंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस वन इज यूर वन डाइस्टीरियोमर्स, आगे साइड बिल्कुल इसके अपोजिट बनेंगे, ठीक है। अपोजिट बनने का मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही ये रिएक्शन होंगे यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनेंगे देयर इज RH, P, ये जो स्टार लगेंगे यहाँ पे, अब आपका ये जो COOCH3 है ये इस साइड लगेंगे और आपका NH, देन यू हैव C डबल बॉन्ड OCH3, तो ये आपका यहाँ पे इस तरह आपका एक इंटरमीडिएट बनेंगे। लेट्स टेक दिस इज योर सेकंड डायस्टीरियोमर, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सा ज्यादा बनेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन द एनर्जी, फ्री एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दिस टू डायस्टीरियोमर्स। फॉर एग्जांपल इसका अगर हम ग्राफ बनाए बिटवीन यूर फ्री एनर्जी एंड रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, तो आपका ऐसा बनेंगे, फॉर एग्जांपल ये ग्राफ आपका ऐसा कुछ होगा, ठीक है, ये आपका R फॉर्म है, ये आपका S फॉर्म है, यहाँ पे आपका स्टार्टिंग मटेरियल है, तो क्या बनेंगे इन दोनों में हमारा कौन सा ज्यादा बनेंगे, दैट विल डिपेंड्स ऑन द फ्री एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दिस टू, कि जिसका भी एनर्जी कम होगा वही बनेंगे। फॉर एग्जांपल S फॉर्म का यहाँ पे एनर्जी कम है तो ये आपको फॉर एग्जांपल R फॉर्म देते हैं, ये आपको S फॉर्म देते हैं, तो द फ्री एनर्जी फॉर दिस S फॉर्म इज लेस is compared to your R form, then this S form will get in as a major product. But in reality, आपका ये इतना आसान नहीं होगा, ठीक है। तो आगे क्या होगा हम देखेंगे, तो यहाँ पे ये भी अभी फिलहाल क्या है, 16 electron species है, just आपका क्या हुआ, जो solvent को आपके complex ने replace किया। Now the important step is your second is oxidative addition of, क्या कहा था हमने, हाइड्रोजन, एंड दिस इज द इनिशियो सेलेक्टिव स्टेप, ये आपका क्या है, इनिशियो सेलेक्टिव स्टेप है, यही आपको इनिशियो सेलेक्टिविटी बता देगा। अब जैसे ही आपका ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होंगे इस कॉम्प्लेक्स पे क्या होगा, बिल्कुल बाकी सब इसी तरह रहेंगे COOCH3 एंड अगेन हियर N, दैट इज CH3, that is double bond O, और यहाँ पे फॉस्फीन लगेंगे बिल्कुल इसी तरह। Now hydrogen will add oxidatively to this metal complex. जैसे ही आपका metal complex पे hydrogen add होंगे oxidatively, now the oxidation state of this rhodium, in पहले क्या था, ये rhodium का oxidation state +1 था, अब this will change to +3 and the coordination number is also changing from 1, 2, 3, 4, 5, 6. That's why this step is known as oxidative addition step. और यही आपको क्या बता देगा, यही आपको बता देंगे कि कैसे आपका कौन सा डायस्टीरियोमर्स आपको ज्यादा प्रोडक्ट देंगे। दिस स्टेप इज योर इनिशियल सेलेक्टिव स्टेप। तो यहाँ पे भी क्या होगा, बिल्कुल इसी तरह रिपीट होंगे, ये भी यहाँ पे भी ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। फिर आपका प्रोडक्ट यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह बनना है, कि फॉस्फीन लिगेंड को कुछ ना होना है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन ऐड होंगे इस रोडियम पे, तो जैसे ही ऐड होगा बाकी जो एल्किन आपका लगा हुआ है, और यहाँ पे इसको मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, इसको जस्ट मैं
बिल्कुल आगे इसी जिस जिस तरह यहाँ पे ये बना था इसी को आगे आप प्रोसीड कराएंगे। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज इसके बाद आपका क्या होगा, फॉर एग्जांपल हम इसको कहेंगे दिस इज द कैट टू दैट इज रेट कांस्टेंट फॉर दिस स्टेप टू। नेक्स्ट स्टेप इज योर फॉर एग्जांपल के थ्री, देन आपका हाइड्रेट क्या होगा, योर हाइड्रेट ट्रांसफर होंगे जिस तरह हमने पहले पढ़ के आए हुए हैं वहां पे आपको ये पता चलेगा कि हाइड्रेट कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। और हम इसको कहते हैं 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन, माइग्रेटरी इंसर्शन। अब क्या होगा, हाइड्रोजन आपकी इस एल्किन पे एड होंगे या हाइड्रेट ट्रांसफर कहेंगे या हम माइग्रेटरी इंसर्शन बी कहेंगे। जैसे ही आपका माइग्रेटरी इंसर्शन होगा देन द फाइनल स्टेप विल बी योर रिडक्टिव एलिमिनेशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन दोनों साइड में, इस साइड भी यही होगा आगे साइड भी बिल्कुल इसी तरह यही सारे स्टेप होंगे। एंड द K4 द फाइनल स्टेप इज द रिडक्टिव एलिमिनेशन। रिडक्टिव एलिमिनेशन इज व्हाट, रिडक्टिव एलिमिनेशन ऑफ योर इनेंशियोमर्स एंड द कैटलिस्ट विल रिकवर इटसेल्फ। सो फाइनली क्या होगा, यहाँ पे ये होगा आपका कार्बन NH देन C डबल बॉन्ड OCH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन अगर एस इस साइड से ऐड होते हैं कैटलिस्ट को हम आगे दिखाएंगे, दिस आर एच दो इधर ऐड होंगे, एक एच इस साइड एक एच इस साइड और इसके साथ आपका है COOCH3। बिल्कुल इस तरह राइट साइड पे भी आपको एक इनेंशियोमर बनेंगे जहां पे हम हाइड्रोजन वो दिखाएंगे, तो ये क्या होगा बिलो चले जाएंगे, आर एक एच इधर ऐड होगा एक एच इधर, बाकी जो सब्स्टिट्यूएंट है वो सब बिल्कुल उसी तरह रहेंगे, this CH3 and this one is your COOCH3। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इसको अगर हम प्लस लिखते हैं और दिस आर आइसोमर एंड दिस इज माइनस और दिस इज आइसोमर, सो यहाँ पे इस तरह आपका दो आइसोमर बन रहे हैं, लेकिन आपको बनाना क्या है the right isomers, the right diastereomers will give you the right isomers and with your enantiomeric axis means एक enantiomeric क्या enantiomers क्या होगा axis में होगा, so the one enantiomer will preferred over the other with enantiomeric axis. मिलेंगे। ये enantiomeric axis आप कैसे निकालेंगे? This is equal to amount of major isomer minus amount of minor isomer divided by total of both isomer into 100। तो इस तरह आप enantiomeric axis निकालेंगे जिसमें आपको पता चलेगा, आगे हमने देखा कि यहाँ पे जो isomer है वो आपको 100% yield में मिल रहा है with 99% your enantiomeric axis। So this is the mechanism of your Shoop-Osborne catalyst. The important application of this Shoop-Osborne catalyst is application is your synthesis of your L-DOPA that is used as Parkinson's disease medicine. ठीक है, पार्किंसंस डिजीज मेडिसिन। और यही जो हमने आपका दिखाया ये वाला जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया, दिस इज हाउ व्हेन यू रिप्लेस द आर दैट इज द रिंग विथ योर व्हेन यू फाइनली ऑक्सीडाइज दिस प्रोडक्ट विथ वाटर या एसिड यू विल गेट योर एल डोपा। एप्लीकेशन ऑफ दिस इज योर सिंथेसिस ऑफ DOPA। So finally, हम देखेंगे कि कुछ structures of ligand जो कि हम यहाँ पे use
कर सकते हैं या हम कह सकते हैं कि इफ यू चेंज इन द लिगेंड डेफिनेटली यू विल गेट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट. सो दीज आर सम ऑफ द लिगेंड्स यू कैन यूज इन केस ऑफ एसिमेट्रिक सिंथेसिस. कुछ है आपका कार्बन काइरल कंटेनिंग एटम, फॉर एग्जाम्पल दिस आई डॉप that is O isopropylidine 2,3 dihydroxy 1,4 bis diphenyl phosphine butane. ये भी आप use कर सकते हैं. And then you are prophos, that is 1,2 bis diphenyl phosphinopropane. Then it is your cheraphos, जो कि आगे हम पहले हमने देखा है. Then some ligands are here which have for phosphorus is chiral center, that is dipalm. अब ये जो dipalm है इसका जो आपका L-DOPA synthesis में इसका सबसे अच्छा एक्टिविटी देखा गया है. देन यू हैव डूफॉस, देन यू हैव डूफॉस सेकंड. सो दीस आर सम ऑफ द लिगेंड व्हिच इज यूजफुल, वी कैन से व्हिच इज यूजफुल इन द सिंथेसिस ऑफ एसिमेट्रिक हाइड्रोजनेशन. एंड वन एग्जांपल इज आई विल गिव यू द एसिमेट्रिक hydrogenation of alpha acetyl amino cinnamic acid. Cinnamic acid तो जब इसकी हम जो hydrogenation अगर आप SS cheraphos ligand use करते हैं तो आपको 99% yield मिलते हैं और आपका pure R isomer इसको मिलते हैं. अगर इसी के जगह आप PNP लेते हैं तो आपको 84% यील्ड मिलते हैं और यहाँ पे भी आपका प्योर आर आइसोमर मिलते हैं. ठीक है. देन यू आर अगर आप DIOP लिगेंड लेते हैं देन आपका 81% यील्ड और आपका S एनेंशियोमर आपको मिलते हैं. देन अगर आपका डाई PAMP आप एज ए लिगेंड लेते हैं तो 96% आपको यील्ड मिलता है और आपका प्योर एस एनेंशियोमर मिलते हैं. तो दिस इज व्हाई द लिगेंड्स आर सो इम्पोर्टेंट. तो यहाँ पे हम जस्ट लिगेंड चेंज करने पे आपका प्योर एनेंशियोमर्स इन दो केस में आपका आर एनेंशियोमर्स मिलते हैं, इन दो केस में आपका एस एनेंशियोमर्स मिलते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट योर एसिमेट्रिक हाइड्रो जिनेशन या वी कैन से एसिमेट्रिक कैटालाइसिस, जिसमें आपका जो ऑर्गेनोमेटेलिक रोडियम बेस्ड कैटालिस्ट है उसका बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर एसिमेट्रिक कैटालिसिस या एसिमेट्रिक ऑर्गेनोमेटेलिक कैटालिस्ट. थैंक यू फॉर